आईपीएल के 15वें सीजन में 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहली बार शामिल हो रही दो नई टीमें गुजरात और लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं पिछले सीजन की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सबसे फिसड्डी टीमों में से एक है। मुंबई इंडियंस भी अब तक लय नहीं पकड़ पाई है। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो मेगा ऑक्शन में जिन पर किसी ने भरोसा नहीं जताया वो इस सीजन के स्टार बनकर उभरे हैं। इस सीजन सभी टीमों ने अभी तक कम से कम दो मुकाबले खेल लिए हैं। आइए जानते हैं पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है और पर्पल और ऑरेंज कैप की दावेदारी किसके पास है। अगर टॉप 5 टीमों की बात करें तो इसमें राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं। इन सभी ने दो दो मुकाबले जीते हैं और सभी के 4-4 अंक हैं। शानदार नेट रन रेट के कारण राजस्थान टॉप पर है। दूसरे नंबर पर कोलकाता, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे पर पंजाब और पांचवें नंबर पर लखनऊ काबिज है। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स छठे और आरसीबी सातवें नंबर पर है। आठवें नंबर पर मुंबई, नवे पर चेन्नई और दसवें पर हैदराबाद की टीम है। मुंबई, चेन्नई और सनराइजर्स इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। अगर टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो ऑरेंज कैप ईशान किशन के पास है। ईशान ने अब तक 135 रन बनाए हैं। हालांकि दूसरे नंबर पर मौजूद जोस बटलर ने भी 135 रन बनाए हैं। बटलर ने इस सीजन का पहला शतक भी लगाया है। अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे ऊपर केकेआर के उमेश यादव हैं। तीन मैचों में 8 विकेट के साथ पर्पल कैप उमेश के पास है। दूसरे नंबर पर मौजूद आवेश खान ने अब तक 3 मैचों में 7 विकेट झटके हैं। आईपीएल के 15वें सीजन का आज 13वां मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला राजस्थान और बेंगलोर के बीच होगा। दोनों टीमें इस सीजन में अभी तक दो दो मैच खेल चुकी हैं। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान ने शुरू के दोनों मैच जीते और इस वक्त अंक तालिका में टॉप पर है। वहीं फाफ डुप्लेसी की बेंगलोर को पहले मैच में हार के बाद दूसरे में जीत नसीब हुई। दोनों टीमें पिछले मैच में जीत कर आई हैं और ऐसे में वे अपने जीत के सफर को जारी रखना चाहेंगी।